हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ जुडिशियल सर्विसेज रिलेटेड अपडेट। भाई आप लोगों के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एक अपडेट लेकर आया है और वो है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटर्नी से रिलेटेड पोस्ट। कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है और कब तक फॉर्म आप लोगों को भर देना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। इसीलिए बोलूंगा वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन जरूरी है फॉर्म को सही से भरने के लिए। कहाँ की वैकेंसी है? तो वैकेंसी है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में। किस चीज के लिए है? डिस्ट्रिक्ट अटर्नी का रिक्रूटमेंट है 2023 का। आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पब्लिकेशन डेट लिख रखी है 22 फरवरी की, यानी कि रिसेंटली आज ही इस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं और आज ही ये नोटिफिकेशन आया है। कितनी वैकेंसीज के साथ आया है? 112 सीट्स है, जिसमें से 54 सीट्स जनरल के लिए हैं और 10 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। ओपनिंग डेट क्या रहेगी, क्लोजिंग डेट क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो में। भाई ओपनिंग डेट है 1 मार्च 2023, यानी कि 1 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट किया जाएगा और 28 मार्च 2023 तक डेट रहेगी। भाई आप लोगों को बता दूं, लास्ट डे का वेट बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर फॉर्म भरना है तो देरी किस बात की, जल्द से जल्द फॉर्म को भर दीजिए। और यहां डेट ओपनिंग है 1 मार्च 2023 की, क्योंकि एंड टाइम पर कभी वेबसाइट क्रैश कर गई, कभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, ये सारे इश्यूज आप लोगों के साथ होते हैं, इसलिए वेट मत कीजिएगा। 1 मार्च 2023 को ही अपने फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। आगे की अपडेट भी हम लोग जान लेते हैं। भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेशनलिटी तो क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों से बोलूंगा इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों की एज लिमिट का क्राइटेरिया। भाई बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं सर मेरी 35 से एज ऊपर हो गई है, क्या मैं जुडिशरी का फॉर्म भर सकता हूं? भाई आप लोगों के लिए ये एक सेवियर का काम करेगा, क्योंकि इस केस में जो 42 साल तक की उम्र के लोग हैं वो भी यहां इस फॉर्म को भर सकते हैं। भाई बिहार का नोटिफिकेशन आया था, एज लिमिट क्या थी? एज लिमिट थी 35 साल की। मैं आप लोगों से इस यहां इस वीडियो में डिस्कस करूंगा बिहार से रिलेटेड भी, क्योंकि भाई दो नोटिफिकेशन हो चुके हैं, दो बड़े नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने अब आ चुके हैं, तो तैयारी में देरी कैसी। तो आइए बात करते हैं। भाई असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटर्नी की पोस्ट है 21 साल से 42 साल तक की उम्र की। तो जो लोग बिहार का नोटिफिकेशन नहीं फिल कर सकते, क्योंकि 22 साल से 35 साल तक की एज लिमिट का क्राइटेरिया है, वो इस फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा। वेबसाइट देख लीजिए। भाई यहां वेबसाइट देख लीजिए, जरूरी है जिस पर फॉर्म फिल किया जाएगा। वेबसाइट भी मैंने आप लोगों से शेयर कर दीजिए, वेबसाइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। साथ ही मैं आप लोगों से आज डिस्कस कर लेता हूं बिहार की वैकेंसी। एक आप लोगों को पोस्ट मिल जाएगा जहां मैंने आप लोगों से बिहार की वैकेंसीज के बारे में डिस्कस किया है, इंफॉर्मेशन दी है। बट फिर भी जब दो नोटिफिकेशन बड़े आप लोगों के सामने आ चुके हैं तो तैयारी में बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। फॉर्म फिल करते ही प्री की तैयारी शुरू कर दीजिए और मेंस के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए कि मेंस कैसे किया जाए, क्या सब्जेक्ट चूज किए जाए। तो बिहार में मेंस में सब्जेक्ट चूज करने का क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन से सब्जेक्ट होंगे? भाई स्मार्ट सिलेक्शन होना चाहिए सब्जेक्ट का। अगर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बड़े सब्जेक्ट के साथ पेपर फिल किया जाता है तो पेपर करने में थोड़ी मुश्किलों का सामना हो सकता है, इसलिए सही सिलेक्शन, सही प्रोसेस और स्मार्ट प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, ना सिर्फ बिहार के लिए बल्कि हरियाणा के लिए भी। तो आइए हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार से रिलेटेड। भाई बिहार की भी वैकेंसी आ चुकी है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 155 सीट्स के साथ ये वैकेंसी आई है, 155। एज लिमिट का क्राइटेरिया ऊपर भी बताया था, दोबारा से बता देता हूं, 22 साल से 35 साल तक की एज लिमिट का क्राइटेरिया है। हरियाणा में जो वैकेंसी आई है डिस्ट्रिक्ट अटर्नी की, वहां एलएलबी के साथ आप लोगों को बार काउंसिल में एनरोलमेंट जरूरी है हरियाणा की वैकेंसी के लिए, ये याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट अटर्नी के केस।
अब आप लोगों को बता दूं भाई, लोग कहते हैं लॉ के बाद स्कोप कम है। अगर आपने सही से पढ़ा है तो आप सोच के देखो, सरकारी वैकेंसीज ही देख लो भाई, यूपी में आप लोगों के साथ कितनी वैकेंसी आई, 303 वैकेंसी। बिहार में आप लोगों के साथ कितनी वैकेंसी आई भाई, बिहार में आई 155 वैकेंसीज। उसके बाद आप लोगों के साथ छत्तीसगढ़ में वैकेंसीज आई, और अब यहां आप लोगों के साथ हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट अटर्नी की वैकेंसी, पंजाब में वैकेंसी। बोलो कितनी सारी वैकेंसीज आप लोगों के सामने हैं। तो देर किस बात की है, सही प्रिपरेशन, सही गाइडेंस और स्मार्ट प्रिपरेशन के साथ आज ही मेरे साथ जुड़िए और इस चैनल पे सारे वीडियोस को देखिए, जहां आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर अपने आप को एनरोल करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को दूसरों से एक कदम आगे लेकर आ पाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।